लेकिन राकेश जी मुझे एक बात बताइए, आप भी सुन रहे थे बैठक को लेकर तमाम जो जानकारियां आ रही हैं, आपको इसका मकसद वैसे क्या नजर आता है? आज अभी बैठक, अभी मतदान खत्म नहीं हुआ है। देखिए, बैठक के दो तीन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये देखिए कि इस बैठक से पहले कांग्रेस की तरफ से एक घोषणा की गई कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होगी उसका प्रधानमंत्री होगा। तो पैन इंडिया तो कांग्रेस लड़ी है, बाकी क्षेत्रीय दल तो लड़े नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद पे दावेदारी की गई। अभी निधि बता रही थी कि शायद प्रधानमंत्री के चेहरे पे चर्चा हुई होगी। मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन 11 महीने में संयोजक नियुक्त नहीं कर पाया वो 24 घंटे में प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। तीसरी बात ये हो सकती है कि इस बैठक में शायद एक दूसरे को ये भी टटोला गया हो कि यदि परिस्थितियाँ विपरीत हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इंडिया गठबंधन की तरफ भी हाथ बढ़ा दे। तो ये सारे समीकरणों को देखते हुए इनको लगा कि मतगणना से पहले एक बार हमें बैठ लेना। अच्छा भैया जी, एक बात बताइए, लेकिन जो खबर आ गई कि ममता बनर्जी नहीं है इस बैठक में, महबूबा मुफ्ती नहीं है, इसको कैसे देखा जाए? क्या कोई मतलब अनबन हो गई होगी, क्या हो सकता है? अनबन की संभावना तो अभी नहीं कहना चाहिए कि अनबन हुई है, क्योंकि ममता जी ने साफ कर दिया कि इलेक्शन हो रहा है और आज सबसे महत्वपूर्ण 9 सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी के लिए चुनाव हो रहा है। सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बस बीच में टोक रहा हूं आपको, क्योंकि ये ममता बनर्जी जो हैं वो पूरे देश में तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ती है इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं, उनको संविधान बचाना होता है सबके साथ मिलकर, वहां अलग लड़ती है कांग्रेस से। हां, वो अलग लड़ती है, पूरा इलेक्शन ही उन्होंने अलग से लड़ा है, तो इसलिए वो, और उससे पहले उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वो गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगी, बाहर से सपोर्ट करेंगी, लेकिन बाद में उसकी सफाई भी थी। मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती जब भी चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद क्या रणनीति है अपनानी है उस पर करेंगे, और ये जो बैठक भी हो रही है इसे प्रधानमंत्री पद पर चर्चा हो रही होगी ऐसा मुझे नहीं लगता अभी आज की तारीख में। एक तो अब आज आप चर्चा नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान पर, तो आप फोटो दिखा रहे हैं इसको भी, अभी इलेक्शन चल रहा तो दिखा रहे हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है वो ये है कि इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट रहे और कोई यहां से निकल कर नहीं जाए, और यदि एनडीए गठबंधन से कुछ लोग आ सकते हैं जैसे राकेश जी ने जिक्र किया कि मान लो स्थिति अलग हो तो उनको कैसे लिया जा सकता है, उन सब चीजों पर नजर रखे और खास तौर से कोशिश की जाए कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन के जो आज की तारीख में दल हैं वो साथ रहें, तो मतलब उसी के साथ बना रहना ज्यादा जरूरी है। क्या ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम साथ साथ हैं फोटो के जरिए? नहीं, देखिए अभी तो चुनाव साथ साथ ही लड़े हैं, तो ये फोटो ना भी खिंचवाते तो भी साथ साथ वाला, अभी तो अलग होने की कोई बात आई नहीं है, वो तो नतीजों के बाद स्थिति आएगी सामने कि क्या हो। लेकिन मुझे लगता है ये बैठक दो कारणों से बुलानी जरूर पड़ गई। पहली ये कि इंडिया गठबंधन समय जो है वो उसके पास बहुत कम है, भाई आज आप एग्जिट पोल दिखाएंगे और 2 दिन बाद रिजल्ट आएंगे, तो वो आज जैसे बैठक में जो मुझे लगता है हर क्षेत्र ने, हर क्षेत्रीय दल ने अपना फीडबैक दिया होगा कि भाई महाराष्ट्र में इतनी सीटें जीत रहे हैं, बिहार में इतनी जीत रहे हैं, यहाँ इतनी जीत रहे हैं, तो उससे एक असेसमेंट बनाया होगा इन लोगों ने, और उस असेसमेंट के बाद आगे क्या रणनीति होगी, किसको कहाँ साधना है, किसको कहाँ रोकना है, किसको कहाँ पकड़ना है, किसको कैसे करना है, उसके भी जिम्मेदारियाँ बांटी गई होंगी। और तीसरी बात यह है कि ये मैसेज भी देना है कि भाई हम एकजुट हैं। रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी ने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं चूँकि चक्रवात और चुनाव में व्यस्त हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। महबूबा मुफ्ती ने पहले आने के लिए कहा था, लेकिन कश्मीर में जिस तरह महबूबा और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो शायद उस कारण ना आई हो या क्या कारण है। नहीं, वोटिंग वाले दिन भी बहुत परेशान थी, लगातार वहाँ प्रदर्शन वगैरह भी कर रही तो थी, वो उनका कारण हो। लेकिन ये बैठक एक तरह से, चूंकि हमेशा इंडिया गठबंधन पर सुस्ती के आरोप लगते रहे, अभी जैसे शुक्ला जी ने कहा संयोजक नहीं चुन पाए, तो इस तरह के आरोपों से बचने के लिए भी ये बैठक इसलिए बुलाई गई ताकि थोड़ा सा एक्टिव होकर के वो आगे की भविष्य की योजना और रणनीति बना सके। ठीक है, अभय जी इस अच्छा, और ये ममता बनर्जी की कुछ तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं जो हम दर्शकों को अभी दिखा रहे थे, ये देखिए, ये आज जो मतदान चल रहा है 7वें चरण का, आखिरी आज मतदान का दिन है, इसके बाद चुनाव का समापन हो जाएगा, नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, ये कलकत्ता की तस्वीर है, कोलकाता की, लेकिन अभय जी बैठक में ममता बनर्जी नहीं गई, खैर उस चीज को छोड़िए, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये बैठक आप सामान्य मानते हैं वैसे ही, या कुछ खास इसका मकसद हो सकता है इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है? इंडिया गठबंधन का चरित्र है, उसकी संरचना है, उसमें इस तरह की बैठकें बार बार उन्हें करनी चाहिए, मैं समझता हूं उन्होंने कम बैठकें की हैं। अब आप इसकी तुलना में देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए को, एनडीए की कोई बैठक हुई है? चुनाव से पहले बैठकें हुई थी, उसके बाद में दूर दूर तक बैठक का कोई पता नहीं हुई थी, चुनाव से पहले एक बैठक हुई थी, क्योंकि वहां पर सब कुछ भाजपा है, बाकी सब लोग बहुत ही छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल भाजपा के इधर उधर घूमने वाले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन बाकी पार्टियां भी क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ही शक्तिशाली पार्टियां हैं, तो उनकी लगातार बैठक होते रहना उनके टिके रहने के लिए,
उनकी सुव्यवस्था के लिए, उनकी उसमें आपस में लय बनी रहे, तालमेल बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि एनडीए के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए उनको लगातार बैठक करते रहना है। उनको एनडीए बैठक करे भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सवाल यहाँ से खड़ा होता है राकेश जी, कि इसको क्या माने अभी जी, जो कह रहे हैं कि एनडीए में स्थिति है, वहाँ एक सबसे मजबूत दल है, यहाँ नहीं है, बार बार बैठक करें, ये मजबूती है इंडिया गठबंधन की, कमजोरी है फिर ये? मेरे हिसाब से जो अभय जी नहीं, एक्सेस नहीं है, अभय जी जो बोल रहे हैं, दोनों में बेसिक अंतर है। कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है और क्षेत्रीय दल भाजपा पर निर्भर है, ये बेसिक अंतर है। जो भी क्षेत्रीय दल एनडीए गठबंधन में है, जीतम राम मांझी कहते हैं हम मोदी कारण जीतेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं मोदी कारण जीतेंगे, अनुप्रिया पटेल कहती है हम मोदी कारण जीतेंगे, एक भी इंडिया गठबंधन के दल को बताइए जो कह रहा हो कि हम कांग्रेस में राहुल गांधी या खड़गे जी के कारण जीत रहे। दोनों में बेसिक ही अंतर है। इसलिए इंडिया गठबंधन और एनडीए का अंतर ही बताता है कि एनडीए में रोज बैठक करने की आवश्यकता नहीं है और इंडिया गठबंधन में रोज बैठक करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। हम फौरन लौटेंगे, ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।